हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट ऐसा है, ये ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म बेस 25 मिलीमीटर साइड एंड एक्सिस 50 मिलीमीटर लॉन्ग रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस। पहली बात तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए ये रेक्टेंगुलर फेसेस के अबाउट रेस्ट कर रहा है इन द एच पी विद द एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू वी पी। जब पेंटागनल प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं तो पेंटागनल प्रिज्म का बेस पेंटागन है दो, है ना, एक टॉप एक बॉटम, उसके बीच में लेटरल सरफेस जो मिल रहा है हमको वो फ्लैट रेक्टेंगुलर फेसेस है उसके, वो कितने होंगे, फाइव होंगे। उन फाइव रेक्टेंगुलर फेसेस के में से किसी एक के अबाउट वो रेस्ट कर रहा है एच पी में। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए प्रिज्म का जिसमें कि ये मेंशन किया गया हो कि प्रिज्म अपने एक रेक्टेंगुलर फेस के अबाउट रेस्ट कर रहा है किसी प्रिंसिपल प्लेन में, तो हमारा टारगेट सबसे पहला ये होना चाहिए कि उसका बेस ऑपोजिट प्रिंसिपल प्लेन में शो कर दे, और बेस के लिए उसका एज हमको दी हुई है 25 मिलीमीटर। सो 25 मिलीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और एज वी नो कि पेंटागनल प्रिज्म है तो पेंटागनल प्रिज्म के केस में आपको 108 डिग्री फ्रॉम बोथ द कॉर्नर्स आपको प्लॉट करना है आउटवर्ड्स, ठीक है, ये भी 108 डिग्री हो गया, एंड आपको यहां भी 25 मिलीमीटर मार्क करना है, ठीक है। ये देखिए हम इसको ध्यान से ड्रॉ करें तो 25 मिलीमीटर पहले मार्क करना है आपको, 10, 20 और ये 25, ठीक। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा, यहां भी यही काम करना है हमने, 10, 20 और ये 25। तो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं यहां से इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगला स्टेप, क्योंकि पेंटागन है और सारी की सारी जो एजेस होंगी वो बराबर होंगी, तो 25 25 25 देखिए बिल्कुल है, तो सेम आप इधर भी ड्रॉ कीजिए और इधर भी ड्रॉ कर लीजिए। सो ये देखिए ये ड्रॉ हो गया, और ये ड्रॉ हो गया, ठीक है जी। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। सो टॉप व्यू इस प्रिज्म का कैसा दिखेगा उसके लिए हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं और उसको थोड़ा सा डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हम प्लेन के साथ उसको टच नहीं करेंगे, किसके साथ, जिसमें बेस शो कर रहे हैं उस प्लेन के साथ हम उसको टच नहीं करेंगे, तो गैप रखते हैं, कैन की गैप ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 मिलीमीटर जो भी होगा, यहां पर हमने गैप रख दिया, और उसकी लेंथ हमको दी हुई है एक्सेल लेंथ जो है वो 50 मिलीमीटर है, तो इस तरह से ये एक्सेल लेंथ हमने शो कर दी। अभी पॉइंट्स बनाने बाकी हैं, हमको ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो, सो लेट अस नेम दीज पॉइंट्स एज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एंड ई डैश। ये तो वो होगा जो हमको दिख रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर यहां है, यहां से व्यू कर रहा है। लेट अस नेम दीज पॉइंट हियर ए बी सी डी ई, तो पीछे वाले की नेमिंग क्या करेंगे, ए के जस्ट पीछे हम कर देते हैं 1, बी के पीछे 2,
सी के पीछे 3, डी के पीछे 4 एंड ई के पीछे 5। दैट मीन्स कि सिमिलरली यहाँ पर ए डैश बाय 1 डैश, बी डैश बाय 2 डैश, सी डैश बाय 3 डैश, डी डैश बाय 4 डैश एंड ई डैश बाय 5 डैश। चलो ये नेमिंग हो गई। तो अब इसको यहाँ सबसे पहला हमारा काम है आउटर मोस्ट ड्रॉ करने, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। आउटर मोस्ट ड्रॉ करने के बाद अगली टास्क ये होनी चाहिए कि हमको ये पता लगे कि कौन कौन सी एजेस दिखने वाली है। तो टॉप की जो एजेस है, देखिए इसका सेंटर यहाँ कहीं लोकेट होगा, ठीक है। सो ये जो एज है ऊपर बी बाय टू, ये विजिबल रहेगी, एक्सिस के ऊपर रहेगी, ठीक है, ये दिखेगी। और जो एक्सिस के नीचे आने वाली है वो क्या होगी, हिडन हो जाएगी, ठीक है। लेट अस नेम, हम एक बार इसकी लोकेट भी कर लेते हैं एक्सिस को। उसके लिए करना क्या होगा आपको, जैसे कि पिछले एक और वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हम इसको एज के पैरल रखते हैं और कॉर्नर से पास करते हैं। तो इससे ये होगा कि हमको एक्सिस की लोकेशन मिल गई, ठीक है। तो अब जब हमको ये मिल गया एक्सिस का पॉइंट, बाकी के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो ऊपर है, ऊपर है मतलब वहां से तो हमने शो कर दिया, बट इधर के जो दो पॉइंट्स हैं वो नीचे हैं। दैट मीन्स कि डी से लेके 4 क्या बनेगा, हिडन बनेगा। डी से लेके 4 हमको हिडन ड्रॉ करना है। ये देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगली कंडीशन क्या दी हुई है वो पढ़ लिया जाए। उसने ये कहा है कि एक्सिस ऑफ दिस प्रिज्म इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, 45 डिग्री टू वीपी, वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो ये डायमेंशनिंग कर ली जाए उसको आगे बढ़ने से पहले। ये देखिए, और इसे पॉइंट से हम पॉइंट थोड़ा सा यहाँ ले लिया जाए और 45 डिग्री हम प्लॉट कर लेते हैं। 45 डिग्री का एंगल हमने लोकेट कर लिया और इस तरह से हम लाइट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कंस्ट्रक्शन इजी हो जाए हमारे लिए। अब हम एक काम करते हैं, ये सारा का सारा सॉलिड इधर की तरफ प्लॉट कर लेते हैं। तो बहुत इजी वे है, आप क्या कीजिए, अगर एक्सिस इंक्लाइंड है तो एक्सिस के पैरेलल 3C, 4D, 2B, 5E, 1A है तो ठीक है। हम एक काम करते हैं, 3C को लोकेट कर लेते हैं। इस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना आए। सो इज करते हैं, एज वी नो कि ये सारे के सारे एजेस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और ये जो लेंथ है कितनी दिख रही है आपको, तो 41 मिलीमीटर है ना। नहीं होगा तो हम उसको कंपास से भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। अगर एग्जैक्ट लेंथ दिखती है, अगर कुछ मिड वैल्यू होती तो हम उसको प्रेफर करते ड्रॉ करने का कंपास की हेल्प से। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है हमको और ये 50 हमने यहाँ को लोकेट कर दिया, ठीक है। ये जो दो फिगर बनेंगे,
ये डार्क होंगे क्योंकि फाइनल फिगर्स हैं, और तो कोई इंक्लिनेशन दी नहीं है। अगर और कोई इंक्लिनेशन मेंशन की होती तो हम क्या करते, उसको भी कंसिडर करते। तो ये आ गया वन और ये आ गया पॉइंट ए। रिमेनिंग आपको जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ से पिक कर लेने चाहिए। ये देखिए, अगर हम थ्री से फाइव पिक करते हैं तो सेम वन से फोर होगा, तो क्लियरली अंडरस्टूड है, ठीक है। सिमिलरली ए से डी और सी से ई सेम पॉइंट्स होंगे, तो नीड नॉट टू वरी, हमको तो सिर्फ दो पॉइंट्स लोकेट कर ले रहे हैं और लाइंस पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, हमारा काम बन जाएगा क्योंकि ड्राफ्टर ऑलरेडी सेट है। और ये बीच का जो पॉइंट है, पॉइंट टू, क्रॉस चेक कर लीजिए, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। चेक करने के लिए एक बार इधर से ये देखिए, क्रॉस चेक कर लिया हमने, पॉइंट हमारे एकदम एग्जैक्ट लोकेशंस पे आएंगे। सो ये यहां से लाइन जो ड्रॉ हो रही है, ये डार्क लाइन ड्रॉ हो गई कंटिन्यूस, और ये हिडन लाइन ड्रॉ हो रही है यहां से यहां तक। हिडन लाइन जो हमने ड्रॉ की वो दो एजेस उस रेक्टेंगुलर फेस की है जिस रेक्टेंगुलर फेस के अराउंड ये प्रिज्म रेस्ट कर रहा है एचपी में। सो ए बी सी डी ई वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ऑब्वियसली फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, जो थर्ड फिगर होता है वहां पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, ऑब्जर्वर सैरो ड्रॉ करते हैं। ऑब्जर्वर सैरो ड्रॉ कर लेना चाहिए हमको यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर से हो गया, ठीक है। अब यहां से हम आगे ड्रॉ कर लेते हैं, तो फाइनल फ्रंट व्यू ऑब्टेन करने के लिए ये प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए हमने। फाइनल फ्रंट व्यू ऑब्टेन करने के लिए ये प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। From all the points. और यहां से भी हम horizontal lines draw कर देंगे parallel to xy line. और ये तो xy line already drawn है, तो यहां हम inclination show कर देते हैं। यहां कितना है, 45 degree का inclination है। And जो points आए हैं वो points देखिए, C point से C point ये मिल गया, तो सी वन डैश शेप चेंज हो रही है ना, इसलिए वन डैश लगा दिया हमने। ए पॉइंट से ए पॉइंट यहां मिल गया, तो ये ए वन डैश हो जाएगा। बी पॉइंट से बी पॉइंट ये मिल गया, तो बी वन डैश हो गया। डी पॉइंट से डी पॉइंट यहां मिला, तो डी वन डैश हो गया। ई पॉइंट से ई पॉइंट यहां मिला, तो ये ई वन डैश हो गया। बात आती है यहां पर पॉइंट वन, ये आ गया यहां पर वन वन डैश, टू टू डैश, थ्री वन डैश, और ये आपका आ गया फोर पॉइंट यहां पर फोर वन डैश, फाइनली फाइव फाइव वन डैश, सारे पॉइंट्स मिल गए हमको, टेन पॉइंट्स हैं। एक्सिस लोकेट करेंगे हम, ऐसी बात नहीं कि एक्सिस लोकेट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको पहले यहां से यहां तक ड्रॉ कर लिया।
ऑब्वियसली एक्सेस यहाँ इंटरसेक्ट करने वाली है इन पॉइंट्स पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट जॉइन आउटर मोस्ट पॉइंट्स, जो आउटर मोस्ट पॉइंट्स है उनको हमको ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन हो गए, ये भी ज्वाइन हो गया, और ये ज्वाइन हो गया यहां से, ठीक है। ऑब्जर्वर की तरफ जो बेस है वो बेस विजिबल रहेगा, तो हम यहां से यहां तक देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, और जो बेस ऑब्जर्वर की तरफ नहीं है वर्टिकल प्लेन की तरफ है वो बेस हिडन होगा। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब वो सारी एजेस दिखेंगी जो एक्सिस के पैरेलल ऑब्जर्वर एरो की तरफ है, मतलब 1 से ए दिखेगा, 5 से ई दिखेगा, वो तो वैसे ही आउटर मोस्ट में कवर हो गया, और 3 से सी हिडन होगा। ठीक है, तो 1 से ए पहले शो करते हैं, हिडन को हम बाद में, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रह जाती है। अब देखिए 3 से सी हिडन होगा, उतना ही पोर्शन हिडन होगा जितना शो हो पाएगा, बाकी तो उसके अंदर कवर हो गया, रेस्ट इज एक्सिस के पॉइंट्स। ठीक है, तो लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ये एक्सिस बन गई। एक्सिस की नेमिंग भी हम कर सकते हैं, ये ओ पॉइंट कर दिया, यहाँ ओ पॉइंट की नेमिंग ओ डैश कर दी, यहाँ भी ओ पॉइंट है। हम एक ही पॉइंट की नेमिंग कर रहे हैं, दूसरे एंड की नेमिंग नहीं कर रहे हैं, उससे डिफ्रेंशिएट करना ईजी होगा। ठीक है, ये ओ वन डैश कर दिया, दैट्स ऑल। 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब एक्सिस भी इंक्लाइंड है ना, ये 50 और ये यहाँ पर 25 मिलीमीटर की लेंथ दी हुई थी बेस की, एज की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।